तो वहीं कांग्रेस के सांसद कुमारी शैलजा ने चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। सभी नेता राहुल गांधी से प्रेरित होकर रैली कर रहे हैं और जनता से संपर्क कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता जमीनी स्तर पर लोगों की परेशानियों को न केवल जान रहे हैं बल्कि उसका समाधान भी निकाल रहे हैं। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है, सुनिए। चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हम सब बातचीत करने के लिए मौजूद है सिरसा से सांसद और वरिष्ठ नेता कांग्रेस की कुमारी शैलजा जी। मैम, आप भी यात्रा कर रही हैं और कांग्रेस के तमाम हरियाणा के लीडर्स हैं वो भी यात्रा कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आज तारीखों का ऐलान हो चुका है? बात यह है ना कि जमीन पर कांग्रेस पार्टी, जमीन पर लोगों के बीच में हमारे नेता राहुल जी से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि उन्होंने यात्रा की, उससे पूरे देश का माहौल बदला और आज हम ज़मीन पर लोगों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याएं सुनते हुए और उनको भाजपा की असलियत दिखाते हुए सब मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि लोग हमारी बात को मान रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में भी दिखाया और अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लेकर आएंगे लोग और पूरी व्यवस्था को बदलेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हमारी सरकार दोबारा बनने वाली है, कि इनके दावे हमेशा खोखले होते हैं। कब 400 पार कहने लगे थे, पिछली बार 70 पार कहने लगे थे, तो ये तो दावे ये लोग करते हैं। इन्हें भी मालूम होता है कि ये दावे बाद में खोखले ही साबित होंगे, लेकिन अब इनकी आदत है। कांग्रेस पार्टी तो कभी इस तरह के दावे करती नहीं है, हम तो काम में विश्वास रखते हैं और ये केवल इस तरह के खाली स्लोगनियरिंग में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों से उम्मीद है कि कितनी सीटें, की 90 विधानसभा की सीटें हैं तो कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी? देखिए, जिस प्रकार के हालात हैं प्रदेश में उसे साफ लग रहा है कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, मेहनत करेंगे सब और एक एक सीट पर ध्यान दिया जाएगा। प्रचंड बहुमत की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी बैठकें होती है तो अंदरूनी कलह की हरियाणा में बात निकलकर सामने आती है, तो क्या नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखो, ये पुल्स और प्रेशर्स हमेशा होते हैं और कब नहीं हुए और किस पार्टी में नहीं होते ये अलग बात है। टिकटों के टाइम तक चलती हैं ये बातें, लेकिन जब टिकट मिल जाता है उसके बाद सब लग जाते हैं काम में और कांग्रेस को जिताने में सब मेहनत करते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी अनेक और बाद में एक हाईकमांड द्वारा तय किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।